यार रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता। सिया मेरे को जरा बता कि लाल लाइट जल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, जरा देख ले। मैं बैठ गया अभी फिलहाल तो। चल रही है। ऑलराइट, सो कुछ दो लाइनें बोलना चाहूँगा। तुझे भी आना है ब्लॉग में, बैठ जाए इधर, क्या ही कर सकता हूँ। तो दो लाइनें जो थी मुझे बोलनी थी, तेरे एहसासों पर मेरा इख्तियार हो जाए। बराबर बोला ना। हे महाकाल, मेरा उज्जैन आने का सपना साकार हो जाए। देखो हमारा राइट तो एकदम सब कुछ बराबर ही हो गया, ठीक है, लेकिन एक कुछ रहती है ना एंजाइटी अंदर ही अंदर कि लाइक राइड अभी जस्ट खत्म होने को है और कुछ ही किलोमीटर बचा हुआ है, ऐसा कुछ गड़बड़ ना होना चाहिए कि राइड सक्सेसफुल ना हो। इन किस्मत में कुछ ऐसा कुछ अलग लिखा हुआ था कि कुछ नहीं तो कुछ सही होना ही था, तो होने को कोई टाल सकता है। सो गाइज, वी वर राइडिंग थ्रू दिस मुंबई आगरा हाईवे, और जोएल का बाइक है जो पूरी डेड हो गया। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोग यहाँ पे रुके हैं और बहुत कुछ किया, आर एस ए से फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, कुछ ज़्यादा सपोर्ट अच्छा नहीं मिला। तो फाइनली वी डिसाइडेड वी आर टोइंग द बाइक, एक रस्सी मिल गया। गैरी इज टोइंग जोएल्स बाइक। तो हमारे पास दो दो मरीज़ है आज, एक तो यश जिसका स्टार्टर नहीं चल रहा है बाइक का कल से ही, और अब जोएल जिसका बाइक ही डेड हो गया पूरा इंजन। तो देखिए ये रिकॉर्ड याद रखना, अगर आपके पास होता है तो ऐसा एक रस्सी कैरी करना बहुत ज़रूरी है। ये रस्सी मैं रखने वाला हूँ अभी इसके बाद। वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, बाइकिंग ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स, ऐसा ही कुछ होता है हम बाइकिंग की कम्युनिटी के अंदर। तो अगर कोई अगर नहीं भी होता तो कहाँ ना कहाँ से मदद पहुँच ही जाती है। कुछ एक 100 किलोमीटर बचा हुआ था इंदौर के लिए। जैसे जैसे हमारी गाड़ी की टाकी भी खाली होती थी पेट्रोल के लिए, वैसे वैसे हमारी भी टाकी खाली होती थी भोजन के लिए। तो हम बाइकर्स का एक अलग ही ऑरा है, मतलब अभी क्या बताएं, मतलब जहाँ पर रुके भले वो छोटा ढाबा हो बड़ी सी अच्छी होटल हो, वहाँ आराम से हम पसर के भोजन का इंजॉय करते थे। और हाँ, लगियात हमने सब्सक्राइबर भी बढ़ा लिए। सर्व कर रहे, मेरा भी सर्व करा जा रहा है, तो फटाफट मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। कुछ 100 किलोमीटर और बचा हुआ है एंड एक ढाबे पर बैठे, ढाबे का नाम है बाटला जी। सो बाटला जी ढाबा पर बैठे हम एंड फटाफट खा लेते और निकलते। तो ऑलराइट, बाटला जी ढाबा पर हमारा सब कुछ हो गया है, खा पी के और पेट पूजा, और यहाँ पर हम सब्सक्राइबर बढ़ा रहे। सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए? दो यहाँ पर, दो वहाँ पर, पांच करके बूंद बूंद से समंदर बढ़ता है। आ जाओ आ जाओ, और एक सबसे सबसे एकदम सही वाला इधर। आधे में लेके बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। ये वाला सबसे बढ़िया है। हाँ, ये वाला सबसे मस्त वाला है। इसमें क्या है? इसमें एक में कपड़ा रखा हुआ है, एक में वायर वायर जो रखते हैं वो रखते हैं, खाने का भी रख सकते हैं। हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र। हाँ, मुंबई से। घुमा थोड़ा, घुमा। रेडी, 1 2 3। हाँ, स्टार्ट हो गई। ये बहुत बड़ा हेडेक है, ग्लव्स पहनने के बाद अगर चाबी जेब में रहती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे।
हम बाइकर्स लोग हैं भाई, कैसा है ना कि हमारी खुशी छोटी छोटी खुशी होती है, जैसे कहाँ पर भी रुक जाना, लोगों से बात करना, किधर भी बैठ के खाना खाना, ये छोटी छोटी खुशी के लिए हम बाइक चलाते हैं। थोड़ा स्लो स्लो चलाता हूँ आगे। अच्छा हो गया, मेरी रात में ही नींद हो चुकी थी, तो अभी प्रॉब्लम हो जाता था। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंदौर। सो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग जोएल। गुड मॉर्निंग। ये रहा बॉयज रूम, दूसरा रूम बताते हैं फटाक से। गुड मॉर्निंग पंडित जी। गुड मॉर्निंग। और ये रहा दूसरा रूम। गुड मॉर्निंग। तो हम 5 लोग हो गए। इधर आईना नहीं है, आए ना आईना। सो यस, दिन की शुरुआत हो चुकी है। लेट्स हिट द रोड। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, सब रेडी हो चुके हैं। हाँ चल चल चल, मैं तो हो गया, अपना क्या, खाली ये डालना था ग्लव्स। चल यस, तो उसमें भी कार्तिक की गलती हो जाएगी। तीन चल भाई साहब, की गाड़ी ऐसा हो गया, ऐसा चालू होती है, ऐसा नीचे कर लेते क्योंकि बाहर ठंडा हवा है। सो वेलकम इंदौर। इंदौर की पहली सुबह के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो कोई रूल ही नहीं यार, खाली हम ही हेलमेट डाले हुए हैं, सच बोलू तो। और बाकी का तो कोई हेलमेट का नामो निशान ही नहीं, जैसे कि हेलमेट फ्री जोन है इंदौर। आई नो हेलमेट, आई नो इंदौर जाना था क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, वो देख तो रहा है, नहीं रूल का पालन यहाँ पर, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं हो रहा है। 95% यहाँ पर हेलमेट, 98% में तो बोलूँ हेलमेट ही नहीं डाले है लोगों ने, कार का तो बोल ही नहीं। एक मेजर तो हर दो बंदा यहाँ पर कोई ना कोई फ़ोन पे बात करके कार चलाता है, तो एक जगह कुछ अच्छा है तो दूसरी जगह थोड़ा ड्रॉबैक है ही है। मुस्कराइए, आप इंदौर में हो। ऑलराइट, सुबह हो चुकी है और अभी सुबह आए नाश्ता करने के लिए, वो भी 56 दुकान में पोहा खाने के लिए। इंदौर में आए और इंदौरी पोहा नहीं खाया है तो क्या ही खाए। मैं दूसरा भोग ट्राई कर रहे हैं, बाटला कचौरी। सुबह सुबह ऐसे खाने की आदत नहीं है लेकिन हम खा लेते हैं। आज अभी लाए हैं जलेबी, खाते जाओ, जो मिल रहा हो खाते जाओ। सुबह हमने अपना पूरा भोजन तो कर ही लिया। अब अगर इंदौर में हो तो इंदौर की खाओ गली जो दिन वाली है, रात वाली की बात नहीं कर रहा, रात वाली तो आगे ही बता दूंगा, रात वाली भी खाओ गली कुछ और कोई दूसरी जगह पर है, लेकिन जो दिन वाली खाओ गली है वो 56 दुकान 56 भोग ऐसे कुछ चीज़ बोलते हैं। तो मज़ा तो आ गई, सुबह सुबह जो पोहे खाए जलेबी के साथ बढ़िया थे, बाद में कचौरियाँ खाए वो भी बढ़िया था, और चाय तो एज ऑलवेज इंडिया का तो सबसे बेस्ट ही है, बड़ी मार्केट है चाय की। हेलो कार्तिक। अरे यार हेलो, एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं पीछे छूट गया हूँ थोड़े तुम लोग से। मैंने तो पाया। क्या बोल रहे हैं? अब आगे रुके। आगे रुके मतलब कितना डिस्टेंस है, कुछ दिख रहा है क्या मैं किधर हूँ? ओके ओके ठीक है ठीक है, चले मैं आ ही रहा हूँ, मैं 2 मिनट ऐसा रुका था, मैं आ रहा हूँ ठीक है। ओके सर। चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर ne
देखो इस पहाड़ को देखने के चक्कर में हुआ ऐसा कि मेरे दोस्त मेरे से 15 से 20 मिनट आगे निकल गए, लेकिन टूर ट्रैवलर को ये एहसास सिर्फ एक ट्रैवलर ही समझ सकता है। हम तो आए थे महाकाल का दर्शन करने। सुना है कि कृष्णा जी की भी ट्रेनिंग यहाँ पर हुई थी उज्जैन में। यहाँ पर उन्हें सुदामा भी मिले थे। सुदामा, कृष्ण जी और बलराम, यही ऋषिकुल में ट्रेनिंग हुई थी और उनके गुरु जी थे ऋषि सांदीपन। तो अभी हम यहाँ पर आके रुके हैं और थोड़ा सा नाश्ता करने का हम सोच रहे हैं। और ये हमारे मित्र दोस्त सब मुंबई से, ये चार बाइकर्स है, चार बाइक उनके पीछे खड़ी है और ठंडी ने तो अपनी हालत एकदम ही खराब कर दी है, गंदा वाला खराब कर दिया, कोलंबी हो गया कोलंबी। अरे भैया जी इतना ठंडी क्यों है मुंबई में? अरे कुल्फी बन गए हो भैया। अरे कितनी ठंडी है भाई, घर का तो फील ही नहीं आ रहा घर का। एनीवेज हम मुंबई से 200 किलोमीटर हो गए बाहर, ऑलमोस्ट 200 हो गया है एंड कुल्फी का कुल्फा हो रहा है अपने। देखिए हम लड़के 8 से 10 घंटा बाइक चला ले, ठंडी ये बर्दाश्त। देखिए हमारा प्लान जो है इस साल 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो कि है इंडिया, वो मोटरसाइकिल पे कंप्लीट करने को सोच रहे हैं। अगर आपको देखने की इच्छा है तो हम दिखाने को भी तैयार हैं। बस एक चीज़ करिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलिए।